हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑटोकैड, तो उसमें मेरे ख्याल में किसी शायद कुछ लोगों ने डाउनलोड किया होगा, इंस्टॉल किया होगा, किसी को प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैंने ग्रुप में बताया था कि अगर किसी को स्टिल प्रॉब्लम है, मैंने कुछ की भी बताए थे उसको हल करने के लिए, फिर भी अगर प्रॉब्लम है इंडिविजुअल कंप्यूटर की वजह से या इस तरह कुछ वायरस होता है उसकी वजह से, तो किसी टेक्निकल आदमी का आईटी वाले का हेल्प लेना ज़रूरी होता है। तो आई होप यू ऑल हैव ऑटोकैड इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम। अभी अगर आप ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है उधर उसको खोलना, सबसे पहले जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होना चाहिए, उसका एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पे होता है, तो अगर हमको इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। तो अगर फर्स्ट टाइम ओपन होता है, इसमें ऑप्शन देता है कि 3D या ऑटोकैड क्लासिक, तो हम ऑटोकैड क्लासिक को सेलेक्ट करेंगे। फिर अगले आगे आप चूँकि फर्स्ट टाइम मैं ओपन करता हूँ तो ये कुछ फीचर्स के बारे में इंट्रोडक्शन चाहता है, लेकिन ये अभी इस टाइम पे मैं नहीं चाहता, तो मैं भी लेटर करके मैं अभी आता हूँ ऑटोकैड के मेन विंडो पे। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ आपको कि ऑटोकैड में क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटोकैड में एक तो कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर ये सामने स्क्रीन नज़र आता है, दूसरा कीबोर्ड जो नॉर्मली हर कंप्यूटर में बिल्ट इन होता है लैपटॉप में और या कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड होता है, और तीसरी चीज़ जो है ना वो है माउस। माउस जो है ना ये ऑटोकैड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इसका इसके बगैर ऑटोकैड में काम करना मुमकिन तो है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो अभी माउस में क्या है, माउस अगर आपके पास माउस है तो वो उसको देखते हैं, इसके माउस के सेंटर पे एक व्हील सा है, इसको अगर आप आगे पीछे घुमाते हैं तो ये स्क्रीन, मतलब अगर स्क्रीन पे कोई चीज़ है तो आगे पीछे होती है, तो एक तो ये की हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरी इसके जो व्हील के राइट साइड में इसको राइट की बोलते हैं और एक है लेफ्ट, अगर लेफ्ट हम क्लिक करते हैं तो इस तरह किसी चीज़ के ऊपर क्लिक होता है, अभी तो कोई चीज़ है नहीं, खाली है, लेकिन एक इसका है माउस का लेफ्ट क्लिक और एक है इसका राइट। तो राइट किसी, अभी मैं सामने स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ तो ये आता है, अगर इधर राइट क्लिक करता हूँ कुछ और आता है, अगर इधर राइट क्लिक करता हूँ कुछ और आता है, तो मुख्तलिफ जगहों पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मेरे पास आते हैं। अगर ये लेफ्ट क्लिक जो है ना ये मैं अगर इधर करता हूँ तो इधर ये इसके जो ऑप्शन आते हैं, अगर ये मैं इधर क्लिक करता हूँ कमांड में लेफ्ट वाली है, तो अगर इधर मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये कमांड लेता है। तो अभी लेफ्ट क्लिक का मकसद जो है ना वो है कोई काम करना, एंटर जैसा एंटर होता है, और जो राइट क्लिक है उसका मकसद कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना, कोई ऑप्शन अगर हमको चाहिए जो हमारे सामने नहीं है तो वो हम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो माउस भी हो गया, तो माउस और कीबोर्ड, कीबोर्ड का इस्तेमाल तब होगा जब हम कुछ राइटिंग करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारा काम जो है ना वो लाइन खींचना और शेप बनाना वो माउस से होगा। अच्छा, अभी जो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपके सामने कुछ ये है इंट्रोडक्शन टू वेरियस ऑप्शंस इन कैड विंडो। अभी जो कैड का विंडो है, अभी जो मैंने आपके सामने विंडो खोला है, इसमें ऑटोकैड को कैसा खोलेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल अगर हमारे पास है उसको कैसे ओपन करेंगे, या न्यू फाइल है फर्स्ट टाइम बिगनर है तो कैसा उसमें काम करेंगे, उसका जो सामने विंडो है वो अभी मैंने आपको दिखाया, मेनू बार टास्क बार, उसका होम मेनू जो है, उसके साथ रिबन्स है, लाइन शेप्स वगैरह, ये चीज़ें जो ना उसमें चूंकि इंट्रोडक्शन है ताकि आप लोगों को ये मालूम हो जाए कि
ऑटोकैड में क्या क्या चीजें हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है, हम कंटिन्यू करेंगे, वो है अभी जो स्टैंडर्ड सेटिंग है। हम जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोकैड, तो इसके लिए कुछ बेसिक सेटिंग है, इसका यूनिट सेटिंग करना पड़ेगा, इसका जूमिंग, इसके जूम के बारे में इसको सेट करना पड़ेगा। फिर अगर हमको प्रॉब्लम आता है कुछ देखने के लिए, कोई दिखाई नहीं देता है, कि अचानक कोई जूम नहीं काम करता, तो या कुछ उसमें अंदर कुछ जो शेप्स हैं वो इस तरह कुछ सही नजर नहीं आते हैं, तो उस टाइम रीजेनरेशन का कमांड यूज करके वो दोबारा रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा, डायमेंशन कैसे सेट करेंगे? अब क्योंकि फर्स्ट टाइम काम करते हैं, तो ये हम कौन से यूनिट में करेंगे, और फीट में करेंगे या मीटर में करेंगे, एमएम में करेंगे, इंचेस में करेंगे, तो डायमेंशन स्टार्ट में सेट करना हम चाहिए। और फिर इसके अंदर जो हम मॉडल में काम करते हैं, लेआउट में काम करते हैं, ये क्या चीज़ है, टॉगल की जो है ना, इसमें बताऊंगा ये क्या चीज़ है, इसका क्या काम है, पिक बॉक्स जो माउस से ताल्लुक है, व्यू बार एक ऑप्शन है, उसमें कुछ चीज़ अगर हम दिखाना चाहते हैं, सामने रखना चाहते हैं, कोई छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। यूसीएस जो है ना, ये जो अभी एक बताएगा, यूजर कोऑर्डिनेट एक सिस्टम है जो लेफ्ट साइड में होता है, ये कैसे ऑन ऑफ करेंगे, इसको फिक्स कैसे करेंगे, और ये सब सेटिंग को सेव कैसे करेंगे, तो ये चंद टॉपिक है ये आज डिस्कस करने के हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द विंडो, ये है सामने जो ब्लैक कलर की है, ये वर्किंग एरिया है या ऑटोकैड विंडो है, जहां हम ड्राइंग बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, इसमें हम काम करते हैं। अच्छा, इसमें काम करने के लिए दो ऑप्शन है, सॉरी, एक है मॉडल जिसमें जो ऑपरेशनल व्यू है जो अभी ऑन है, और एक है लेआउट। तो अगर लेआउट में एक मॉडल में नॉर्मली काम हम मॉडल में करते हैं, जितना भी काम हो, प्रोजेक्ट है, कितना भी जगह है, फिर उसमें हम हमें अगर ये जरूरत पड़े कि एक खास पोर्शन को ले लें, उसका जो अलग ड्राइंग बना के उसका प्रिंट आउट या उसको दिखाने का है, तो उसका एक लेआउट बनाते हैं। अगर उसके दूसरा साइड जो है ना, दूसरा एरिया, उसको हम दूसरा लेआउट बना के, ड्राइंग वही है, काम का जगह एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ लेआउट्स में हम उसको पेश करते हैं, ये 10 15 20 इस तरह कुछ काफ़ी सारे लेआउट हम बना सकते हैं, लेकिन काम काम का जहाँ हम काम करते हैं वो है मॉडल। अच्छा, ये जो की है इस तरफ, ये अगर लेआउट हम हमारे पास ज़्यादा है, तो इनसे हम इन लेआउट को चेंज कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। अच्छा, नीचे ये जो है कमांड बार, कमांड बार जो है ना, ये इस जगह में हम जो भी कमांड देते हैं, मसलन अगर इसके अभी हम हमें यूनिट सेट करने का UNITS, तो यूनिट, तो इस जगह में कमांड बार की जगह में जो भी चीज़ लिखा, तो उसका ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी ये यूनिट हम कैसे सेट करेंगे, ऑटोकैड में हम स्टार्ट करते हैं, तो हम ये कौन कौन से यूनिट इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए ड्राइंग के यूनिट, अभी ये ड्राइंग यूनिट्स के अंदर जो ऑप्शन है, ये कौन सा टाइप है, तो हमारे पास आर्किटेक्चरल है, डिसिमल है, इंजीनियरिंग है। हमारे पास जो हम लैंडस्केपिंग में ड्राइंग बनाते हैं, या तो आर्किटेक्चरल में बनाते हैं या इंजीनियरिंग बनाते हैं, तो उससे मैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाता हूँ, इसका ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसमें एक्यूरेसी आ जाती है कि कितने इंचेस में, कितने इंचेस का कितना हिस्सा इसका एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर ये आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं, तो फिर ये नॉर्मल जो फिगर हमारे पास आते हैं, इसके डेसिमल पॉइंट आते हैं, 1 2 3 जितने भी होते हैं। अच्छा, आर्किटेक्चरल हो गया, और फिर इसका जो है ना इंचेस में है, आर्किटेक्चर नॉर्मली इंचेस में होते हैं,
और अगर ये इंजीनियरिंग है तो उसमें एमएम या मीटर होते हैं, तो हमने इंचेस सेलेक्ट किए और बाकी चीज़ें तो जो एंगल वगैरह है तो जो डिफ़ॉल्ट जो जी भी है वो सही है। इधर भी अगर हमको जितना वो प्रिसीजन चाहिए तो हम इसको डिफ़ॉल्ट जीरो सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसको ओके करने से हमारा यूनिट वो सेट हो गया। अच्छा, अभी ये जो सामने ये चीज़ नज़र आता है, इसको हम कैसा किधर के ले जाएंगे? ये यूसीएस है, ये किधर किधर जाता है, ये डिस्टर्बेंस पैदा करता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो अभी इसको एक जगह पे फिक्स करने का है, तो इसके लिए हमें व्यू पे जाके डिस्प्ले, और डिस्प्ले में यूसीएस आइकॉन में ओरिजन इसका एक होना चाहिए। तो इसका ओरिजन अभी मैंने उसको अनचेक किया तो ये इसी एक ही जगह पे फिक्स हो गया। अच्छा, तो यूनिट हमारे सेट हो गए। ये मैं इधर से कमांड जो लाइन था इसको एक्सटेंड कर रहा था, उसमें हमने यूनिट सेट किए। अभी इस ड्राइंग का लिमिट भी मैं सेट करना चाहता हूँ कि इसमें कितना काम होगा, 100 फीट तक काम होगा, 1000 फीट तक काम होगा, जितना आपका ड्राइंग बड़ा होता है उस हिसाब से लिमिट ज़्यादा बड़ा सेलेक्ट करते हैं। मसलन इस जगह में, इस विंडो में हमारे पास जो ड्राइंग हम बनाएंगे उसका वो लिमिट जो है ना, वो मसलन 100 फीट है, तो लिमिट्स लिख के LIMITS लिमिट, LIMITS लिमिट्स, तभी लिमिट जब सेट किया तो भी अगर हम 1000 चाहिए तो 1000 इसका लेंथ और विड्थ सेलेक्ट करेंगे, अगर 100 चाहिए तो 100 सेलेक्ट करेंगे, हमें 100 चाहिए, 100,100 मीन्स लेंथ एंड विड्थ, इसको एंटर करके ये इसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक साइड हो गया। अभी दूसरे साइड के लिए भी 100,100 और एंटर, तो इस तरह हमारा लिमिट इस ड्राइंग का सेट हो गया कमांड लाइन से। लिमिट सेट हो गया, इसका जो ड्राइंग का जो यूनिट था वो सेट हो गया। अभी एक और चीज़ बाकी है, इसका डायमेंशन, जब हम इसको ड्राइंग बनाएंगे बाद में डायमेंशन शो करेंगे तो वो कैसा होगा? अच्छा, इस विंडो में या कीबोर्ड के ऊपर आपको कौन कौन सी की ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करेंगे, क्योंकि जो जो की मैं यूज़ करता हूँ तो मैं आपको वही बताऊँगा कि स्केप की, अभी कमांड मेरे लिया है, ये जो कमांड लाइन पे कुछ चीज़ चल रही है तो मैं इधर से निकलना चाहता हूँ, स्केप बटन है इधर, वो उसको मैं प्रेस किया तो ये सब कुछ क्लियर होंगे, इधर से मैं निकल गया। तो कोई भी कमांड आप लेते हैं और उसको तो उस उधर से निकलते हैं तो आप तो, वो स्केप का बटन मार के उसको दबा के उधर से निकल जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे डायमेंशन, क्योंकि हमने यूनिट सेट किया है तो हम हमारे पास डायमेंशन क्या हमको देना देगा, कैसा वो उसका प्रेजेंटेशन करेगा, तो डायमेंशन में डायमेंशन स्टाइल क्लिक करेंगे तो जो डायमेंशन है सामने, इसमें फिर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। हम अभी मॉडिफाई करते हैं नया, अभी अपने स्टाइल की, ये कोई डिफॉल्ट डायमेंशन स्टाइल है, इसको हम मॉडिफाई करके मॉडिफाई जब करते हैं तो इसमें यूनिट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डिसिमल, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, तो ये अभी जो करंटली है ये है डिसिमल, मैं आर्किटेक्चरल चाहता हूँ तो ये इस तरह सामने जो नज़र आता है डायमेंशन इस तरह शो करेगा। अगर ये मैं इंजीनियरिंग में चाहता हूँ तो इस तरह शो करेगा, अगर डिसिमल में है तो इस तरह, तो ये मैं आर्किटेक्चरल सेलेक्ट करता हूँ।
और इसका प्रिसीजन मसलन ये है 8 है 4 है, ये करता हूँ। फिर इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस इधर हैं, लेकिन ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राइमरी यूनिट्स हमने सेट कर दिए। इसमें अगर टेक्स्ट का जो साइज़ क्या होना चाहिए, ये लिखाई है, और ज़्यादा मोटाई होना चाहिए, इसकी थिकनेस कम होना चाहिए, तो भी कर सकते हैं। इसके जो एरो है, ये आगे पीछे इनको इनका सिंबल कैसा होना चाहिए, इस तरह इसका जो लाइन है, ये जो डायमेंशन की ये लाइन है, ये किस तरह होना चाहिए, बाय ब्लॉक बाय लेयर, ये डिस्कस करेंगे कि ब्लॉक क्या है लेयर क्या है। लेकिन इधर अब अगर आप नॉर्मली हम बाय लेयर करते हैं, इसका कलर क्या होना चाहिए, इसकी लाइन विड्थ क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, अभी अगर हम इसको ये सिलेक्ट करेंगे तो ये मोटा हो जाएगा, अगर इसको हम ये सिलेक्ट करेंगे तो ये पतला नजर आएगा। अच्छा, अभी ये यूनिट इसका जो डायमेंशन का जो स्टाइल है वो हमें सेलेक्ट किया, ओके करेंगे तो ये हमारे पास बायलेयर करके ओके करते हैं। तो इस अभी जो जो हमने नया स्टाइल सेलेक्ट किया, मॉडिफाई किया, इसको हम पहले सेट करंट करते हैं कि सेट करंट ओके। तो अभी हमारे पास यूनिट सेट हो गया, उसका डायमेंशन वाला जो जो जैसा शो करेगा यूनिट वो सेट हो गया, और यूएसएस भी इधर आ गया, ये भी सेट हो गया। अच्छा, अभी बाद चीज़ें जो है ना वो बाद में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम आता है, जूम का प्रॉब्लम आता है, रीजन का प्रॉब्लम आता है, लेकिन मैं अभी जो जो ऑप्शन है इस विंडो में वो दिखाना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये क्या है, ये मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू में काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास, ये फाइल क्लिक करेंगे तो जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सेव सेव एज, प्रिंट करने के लिए जो है ना, पब्लिश या प्लॉट हम इस्तेमाल करते हैं, जो एडिट है इसमें कट कॉपी पेस्ट वगैरह, ये चीज़ें इधर ही है। व्यू में जो है ना रीड रा जो रीजन में बताया, ये भी इधर ही है। जूम किसी चीज़ को क्लोज करना, पीछे ले जाना, पेन इसमें जो कोई चीज़ जो विंडो पकड़ के इस तरह होल्ड करके आगे पीछे इसको मूव करना, तो ये ऑप्शन जो है ना ये इधर व्यू में है। हमारा जो विंडो है कैसे व्यू, उसका क्या होगा, जो मैंने बताया यूसीएस भी इधर ही है। अच्छा, इंसर्ट दूसरा ऑप्शन है, अगर हम कोई ब्लॉग इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो रेस्टर इमेजेस के जरिए इंसर्ट करेंगे, कोई लेआउट इंसर्ट करना चाहते हैं, बाहर से कोई भी चीज़ हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस इधर से इंसर्ट करेंगे। अच्छा, फॉर्मेट एक ऑप्शन है इसमें, लेयर और मतलब लाइन का जो टेक्स्ट का स्टाइल क्या है, डायमेंशन स्टाइल क्या है, तो थिकनेस क्या होना चाहिए, ड्राइंग लिमिट्स जो अभी मैं बताया, इसका यूनिट्स है ना वो भी इधर से आप, हमने उधर से डायरेक्ट किए लेकिन इधर से आप करवा सकते हैं। अच्छा, टूल्स जो है ना, ये दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, इसके अंदर ड्रॉप डाउन में काफ़ी सारे और ऑप्शन हैं। इसको इसमें एक ऑप्शन लास्ट में जो है ये सेलेक्ट करने से, जो पिक बॉक्स का जो ऑप्शन है वो, ये सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन में आके ये जो पिक बॉक्स है, ये पिक बॉक्स असल की ये शो करता है, जो हम ये वाला जो माउस पकड़ते हैं, जो बड़ा होता है या छोटा होता है, तो ये पिक बॉक्स का जो साइज है इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा नॉर्मल करता हूँ। अच्छा, दूसरा ड्रॉ ड्रा में हम बस का लाइन ड्रा करना चाहते हैं, रे कंस्ट्रक्शन लाइन, मल्टी लाइन, पॉली लाइन, आर्क वगैरह, रेक्टेंगल, सर्कल, जो जो चीज़ भी हम ड्रा करना चाहते हैं, हैचिंग करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है, मेन्यू है, इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। डायमेंशन, अगर हमें किसी चीज़ की डायमेंशन चाहिए तो हम इधर से डायमेंशन ले सकते हैं। मसलन ये हमारे पास एक लाइन है और इसका कितना लेंथ है,
8 इंच है, तो ये इधर से हम इसका डायमेंशन ले सकते हैं, और डायमेंशन भी लीनियर उसका जो एंगल में अगर है, रेडियस है, जो जो भी है, इधर से लिख सकते हैं। मॉडिफाई में कोई चीज बनाई है उसको इरेज करना, कॉपी करना, मिरर करना, अपसेट करना, ये कमांड एक वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ये इधर से हमारे पास ऑप्शन हम ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये सामने जो रिबन है, इसमें सेव का बटन, प्रिंट का बटन, और भी काफी सारे इसमें ये सामने बटन है, ये इस तरह, ये जो लाइन है, ये ड्रा वाला लाइन है, ये हम इधर से अगर ये इस लाइन पे, रिबन पे, इस टास्क बार पे हम राइट क्लिक करके माउस पे, तो इसमें काफी सारे ऑप्शन है। अगर ये ड्रा वाला मैं इधर से अनचेक करता हूँ तो ये चला गया, इधर फिर राइट क्लिक करके अगर ये जो मॉडिफाई वाला है, इस तरफ वाला, ये भी चला गया, तो ये नॉर्मली डिफॉल्ट जो है ना, ये ड्रा वाला, मॉडिफाई वाला, ये दोनों तरफ बाई डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन अगर ये हमें नहीं चाहिए तो हम इधर से इनको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी मैं इनको दोबारा लाता हूँ, क्योंकि बेसिक चीजें हैं ड्रा और मॉडिफाई। तो ये ड्रा और मॉडिफाई में और डायमेंशन, इधर डायमेंशन ये होना चाहिए, ये तभी ये डायमेंशन ये अभी हमारा सामने होना चाहिए, तो इसको मैं इधर इसके ऊपर इसको लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको होल्ड करके इधर लाता हूँ, मूव करता हूँ इस तरफ और छोड़ देता हूँ, तो ये इधर आता है, इसको आखिर तक पहुँचाता हूँ, तो ये इधर आ गया इस साइड पे, तभी इधर से हम ये डायमेंशन वगैरह जो ना, ये हमारे पास इधर आ गए, ये लीनियर है, अलाइंड है, तो हम इस किस चीज़ का डायमेंशन ले सकते हैं। तभी जो ड्रा का जो ये जो इधर जो ऑप्शन है हमारे पास, लाइन ड्रा करते हैं, तो इधर से लेते हैं, इसको क्लिक करके कमांड लेते हैं, और जिधर से स्टार्ट करेंगे उधर उसको छोड़ते हैं, फिर जितना लाइन चाहिए, अगर स्ट्रेट चाहिए तो इसको F8 का जो कीबोर्ड पे है एक बटन है, F8 क्लिक करके, तो फिर हमारे पास सीधे जाएगा, या तो राइट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, सीधे जाएगा, अगर इसको हम एंगल्स के साथ, तो फिर दोबारा F8 क्लिक करके ही किसी भी एंगल में हम इसको ड्रा कर सकते हैं। कितना ड्रा करेंगे, इसके लिए इसके ऊपर तो लिखा भी है सामने, ये कितना कितना फीट, 1 फीट और 2 फीट, 3 फीट, जितने भी है, तो ये उसके सामने लिखा है, जिधर भी अभी मसलन ये सामने लिखा है 7 फीट 13 इंच, अगर हमें चाहिए तो इधर ही क्लिक कर दे, तो ये उसका लेंथ हो जाएगा। और दूसरे साइड में हमको ये इस तरफ मसलन 3 फीट चाहिए कुछ ऊपर, तो ये क्लिक